स्वीटनिंग यानी कि करी पत्ता प्लांट हमें फूड में फ्लेवर्स के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। तो ये पौधा हमारा डोरमेंसी पीरियड के पहले का है, जो डोरमेंसी के बाद कुछ ऐसा दिखने लग गया। अब इस पर ये लीव्स और स्टेम्स आने शुरू हो गए हैं, तो हम कैसे इसकी देखभाल करेंगे कि ये पहले जैसा ही घना हो और हरा भरा हो जाए। सबसे पहले हम इसके जो ड्राई ब्रांचेस और लीव्स हैं इन्हें काट कर अलग कर देंगे। हफ्ते में एक बार इसमें बटर मिल्क डाला जाएगा और इसे पूरी धूप में ही रखा जाएगा ताकि ये बहुत जल्दी ग्रो करे। जब ये फिर से हरा भरा हो जाएगा तो इसके पत्तों को हार्वेस्ट करने का भी एक सही तरीका होगा। अक्सर हम इन्हें इस तरह से हार्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत तरीका है। इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसे हार्वेस्ट करने का सही तरीका ये है कि इसकी पूरी ब्रांच को ही अलग कर लिया जाए। जहाँ से हमने ये ब्रांच अलग की है वहाँ पर बहुत जल्दी नई ब्रांचेज अपीयर होंगी, तो ये पौधा पहले से भी ज़्यादा घना हो जाएगा। उसके बाद इस पर नए सीड्स आने शुरू हो जाएंगे। ये सीड्स जब इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं तब हम इन्हें हार्वेस्ट नहीं करेंगे। जब ये पर्पल कलर के हो जाएंगे तब हम इन्हें हार्वेस्ट करेंगे। आप चाहे तो इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक सीड से हम नया एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो आपको इन सीड्स को लगाने का तरीका भी आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। इस तरह से सीड को आप पहले से ही कंपोस्ट मिली हुई ह्यूमिड मिट्टी में डायरेक्टली लगाकर ऊपर से कवर कर दें। 4-5 दिन में ही आपके ये जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे और आपको नए प्लांट्स 15-20 दिन में ही मिल जाएंगे। आप इन प्लांट्स को थोड़ा बड़ा होने पर नई जगह पर या फिर नए गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि ये करी पत्ता का प्लांट घर में लगाना और इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है, और एक ही पौधे से हम कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो एंजॉय योर फूड विद करी पत्ता एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक।